पौड़ी जिला प्राधिकरण में भवन मानचित्र के लंबित पड़े प्रकरणों को विभाग समय पर नहीं सुलझा रहा है, जिससे लोगों की दिक्कत बढ़ रही है। मौके का मुआयना करने के बाद भी कई केस बीते सालों से लंबित हैं, जबकि कई प्रकरण मास्टर प्लान की अड़चन के कारण भी पेंडिंग है, जिसमें कृषि भूमि को भवन निर्माण के उपयोग में बगैर लैंड ट्रांसफर कराने, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अंतर्गत 12 मीटर के दायरे में ही निर्माण कार्य करवाने से जुड़े हैं, जबकि कई दुकान ऐसे भी हैं जहां बगैर नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करवाने में जुड़े हुए हैं, जिन पर अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में डीएम पौड़ी ने जिला विकास प्राधिकरण को लंबित मामलों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही बिना किसी वजह निर्माण कार्य रोकने पर कार्यवाही की भी बात की है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के साथ जो बैठक थी वो साकारण में रही। हमारे कुछ मुद्दे थे, जैसे जो बार बार फाइलें जमा करने के बाद बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं, उस संबंध में हमारी वार्ता हुई कि एक ही बार क्यों नहीं हुआ, आप ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। और सेकंड जो है कि गलत तरीके से ऑब्जेक्शनों को लगाया जा रहा है, ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद जो है वो रिजेक्शन के लिए डीएम साहब को रिकमेंडेड कर दी जाती है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारी ये सेकंड डीडीए की अदालत थी, और इसमें मैंने जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे या एप्लीकेंट्स थे उनसे डिटेल में इसमें डिस्कशंस भी किए, और कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हमारे लैंड यूज को लेकर के या मास्टर प्लान को लेकर के वो जल्दी ही बोर्ड बैठक बुलवाते हुए कमिश्नर महोदय के माध्यम से शासन प्रेषित किए जाएंगे, ताकि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मास्टर प्लान में अलग दिखाए जा रहे हैं और मौके पे अभी वहाँ कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं या लैंड का स्टेटस अलग है, तो एक इस इशू को एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही कुछ मैप को लेकर के जो शिकायत आई है, उस क्रम में जो हमारी प्रोबेशनर या एक आईएएस एंट्रेंट है उनके माध्यम से एक इंक्वायरी अगले 10-15 दिनों में कंडक्ट करवाई जा रही है, ताकि अगर किसी के द्वारा जानबूझकर मैप्स को रोकने की कोशिश की जाएगी तो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट